So we'll start with our next session. Before that, we have a book launch. कुछ कलाकार अपनी कला द्वारा, अपनी पेंटिंग द्वारा अपनी कला का इजहार करते हैं, कुछ अपने गीता द्वारा करते हैं, कुछ अपने फिल्मा द्वारा करते हैं, तो कुछ अपने शब्द, अपनी पोएट्री या फिर अपनी किताबा द्वारा। तो आप अज साडे विच इहो जिहे एक आर्टिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर परमप्रीत कुमार। डॉक्टर परमप्रीत कुमार इज अ रेप्यूटेड सीनियर डॉक्टर एंड इज ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट राइटिंग। She has served as senior medical officer with the Punjab government and has experienced of more than 30 years in healthcare and administration, right from the village grassroots level to ultra high-tech tertiary care hospitals. She believes in utmost honesty, continuous hard work, and believes in the selective cultural values of our society with a blend of today's modernity so that one can live a happy and meaningful life. Right from her academic days to professional life, she kept on penning down her thoughts about life's sensitive moments in the forms of poem, and this book, Suffer, is a reflection of those thoughts. This book is available on Amazon. Now I would request Paramprit ma'am to please come on the stage and watch the book. Can we have a round of applause, please? Respected organizers of Sikh Lens Arts and Film Festival India chapter, and all my friends, journalists, and all those who are present here, the entire team. So I am very glad to announce the launching of my book Suffer. Since it's in Hindi, so I would like to speak more in Hindi about it. So ye jo Suffer hai, this is the title of the book, is Suffer, which signifies journey. सो आई वुड लाइक टू से कि ये वाकई इस ये किताब का सफर भी बहुत लंबा है. द पोएम्स विच आई हैव रिटन इन दिस बुक, ये व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल स्टडिंग इन स्कूल, कुछ कविताएं तब लिखी, फिर कुछ मेडिकल कॉलेज में लिखी, फिर कुछ डॉक्टर बनने के बाद लिखी, और लाइफ के अलग अलग स्टेजेस के ऊपर जैसे जैसे कोई एहसास होता गया तो ये पोएम्स के रूप में कागज पर उतरती गई. अब क्या होता है कि बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, तो जो कि अपनी ज़ाती जिंदगी में, अपनी लाइफ में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ अस जिंदगी में एक नकाब पहनकर चलते हैं. जो हम होते हैं एक्चुअली, जो हमारे एहसास इमोशंस होती हैं, वो हम वाकई में वी डोंट वांट टू शो देम टू द पब्लिक एंटायरली, लेकिन जब हमारे पास कोई पेशेंट बनकर आता है तो वो बेनकाब होता है. वो अपना हर दुख, चाहे वो इमोशनल है, फिजिकल है, वो हमारे सामने खोल कर रखता है. एंड उससे क्या होता है कि बिकॉज व्हेन यू आर क्रिएटिव माइंड, तो डॉक्टर होने के साथ साथ ट्रीटमेंट करना तो हमारा प्रोफेशन है, एंड दैट्स अवर रिलीजन टू ट्रीट अ पेशेंट. पर जब हम उसको ट्रीट कर देते हैं और वो चला जाता है, तो उसकी कोई ना कोई इमोशन, कोई ना कोई बात दिल को जरूर छूती है. एंड बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, वाइफ, मदर, फ्रेंड, कितने रिश्ते हम जिंदगी में निभाते हैं. तो जब आप उन बातों को, व्हाइल यू आर ड्राइविंग डाउन बैक और यू आर सिटिंग अलोन, जब आप उन बातों के बारे में सोचते हो और बड़ी गहराई से सोचते हो, तो आपको लाइफ का एक बड़ा डिफरेंट पहलू नजर आता है. मतलब आप समझते हो, आपने उस जो आपके पास चल कर आया होता है या आपने जो चीज़ महसूस की होती है, आपको लगता है दैट ये दो बातें डायरेक्टली ऑपोजिट हैं. सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो एहसास हुए और जो अपनी लाइफ में भी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनको फिर मैंने इस बुक में उतारा. एंड जब आप इसको पढ़ोगे, तो व्हेन यू विल गो थ्रू इट, तो यू विल फील दोज इमोशंस. मतलब आपको बहुत सारे पॉइंट्स में ऐसा लगेगा, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ. एंड बहुत बार जब मैंने खुद भी अपनी कविताएं दोबारा पढ़ी, तो लाइक आई वॉज अमेज्ड कि मुझे लगा आई कुड ऑल्सो आइडेंटिफाई few situations from my life. So it has been a very beautiful journey for me also. And one thing which I really would like to say is that I have dedicated this book to my husband, Dr. Avtar Singh. It is not a formality. Abhi kya hota hai ki most of the married women ko ye problem hoti hai ki agar wo koi kaam kare to unko ye bandish hai ki the husband ko zarur dedicate kare, kyunki is tarah ki hamari society hai. But I haven't dedicated with any bandish. He is my best friend, right from the day we were married to this day.
and he has given me liberty, he has given me freedom. I still feel I am the same young girl who met him in 1986 and hamara safar jo aapas ka bahut beautiful hai. And I would like to say this ki I have learned a lot from him. Then I am a mother to two lovely children. My son Gurjot Singh, I am very proud of him. He is a very intelligent and a very good boy. And then I have a beautiful daughter Diljot who is very beautiful at heart too. So I feel blessed. So I am very happy ki aap se jo aaye and aapne aakar you have made my day. And you have honored us. Sikh Lions walon ko humko sabko aapne honor diya hai. And we promise to bring many more things for you in future. So, अब कुछ कविताएं जो थी वो उनमें उनकी हिंदी कुछ काफी गहरी है. अभी आई वॉट द पोएम विच आई हैव चोजन टू रिसाइट हियर इज अ पोएम जिसकी हिंदी थोड़ी सरल है. एंड हिंदी के साथ जो मेरा लगाव है, अब मोस्ट ऑफ यू विल बी अमेज्ड दैट बीइंग अ डॉक्टर ये हिंदी कहाँ से आई थी जी. सो व्हेन आई वाज डूइंग माय +1 +2 एट दैट टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ आई हैव टेकन हिंदी एज एडिशनल लैंग्वेज. आई डिड माय +1 +2 फ्रॉम बैंगलोर बिकॉज माय पेरेंट्स माय फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर ही वाज पोस्टेड देयर. तो लाइक माय हिंदी सर यूज्ड टू से कि अरे भाई तुम क्यों फंस गए बायोलॉजी में जाकर, तुम्हें हिंदी करनी चाहिए. बट देन माय फादर्स चॉइस ही सेड कि ना आई हैव टू ऑप्शंस इधर गो फॉर हिंदी और गो फॉर साइंस. सो ही सेड तुम दोनों में अच्छे हो. सो अक्कर बक्कर बॉम्बे बो में आई बिकेम अ डॉक्टर. सो आई विल रिसाइट माय वन पोएम फ्रॉम द बुक. द टाइटल ऑफ द पोएम इज अक्सर लगता है. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भी देखा होगा लाइफ में कि बहुत सारी हमारी इमोशंस अनकही होती हैं. हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते. कुछ सामाजिक पाबंदियां, कुछ रिश्तों की पाबंदियां. लाइक यू वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स, यू वॉन्ट टू से सो मेनी थिंग्स बट यू कांट. सो जो कवि होता है या जो लेखक होता है वो उन सब भावनाओं को जब समझता है तो वो कैसे सोचता है. सो हियर द पोएम गोज. अक्सर लगता है क्यों नजर आती है तुम्हारी छवि नदी के निर्मल जल में, और कभी यूं ही तुम साथ चलने लगते हो शाम के गहरे सन्नाटे में. किसी पत्ते की खरखराहट में क्यों तुम्हारी आवाज सुनती है. पर्वत पर नजर पड़ते ही तुम विशाल दिखने लगते हो, और रात की काली चादर में तुम्हारा चेहरा चांद सा दिखता है. जब बातें होती हैं तो क्यों ऐसा लगता है जैसे सब तुम्हारी ही बातें हों. कभी जब मन खिन हो जाता है, जब विश्वास के धागे ढीले हो जाते हैं, जब आसपास कोई नहीं होता तो अक्सर तुम क्यों परिस्थिति को सुलझाते हुए मेरा साहस बंधाते हुए नजर आते हो. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पास कभी नहीं होते और हम एक झूठे विचार को यूं ही विश्वास में बदलते जा रहे हैं. हम तुम्हारे हर ख्याल के साथ परिचित होते जा रहे हैं. क्यों अब लगने लगा है हम एक होते जा रहे हैं. थैंक यू. आई वुड लाइक टू प्रेजेंट बुक टू ओजस्वी एंड बीके सिंह जी. लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉलेज प्रेजेंटिंग द बुक सफर टू सिकनेस. Very honored to receive this book, and now सब लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप इसको book को check out करिए. And Dr. Moon has done good, जैसे कहते हैं कलमन किया poetry. Yes, so that's what it is, you know. And these books, this book is available on Amazon, so you can check that out from there. Thank you. Dr. Bowman will be available on the red carpet for pictures, discussions, and signing the book for you. Thank you.